मंत्री आप करना ड्यूटी तद पता लगता कि क्या होंगे बॉर्डर पर। तनखाह तो सारे नो अच्छी लगती, तुम भी तनखाह की खातर ही है। उतों के जोड़े लोकल है ना, उ नहीं साथ देंगे। वो पाकिस्तानी होर कितों आते, सब कुछ लैब है ना, उतों के लोग ही भेद देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में जुटे सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला कर देने की घटना में शहीद हुए सेना के 5 जवानों में एक सैनिक गज्जन सिंह जिला रूपनगर के गांव पचरंडा का भी था, जिसका आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी और पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह के अलावा विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शहीद गज्जन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने व परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने शहीद गज्जन सिंह की अर्थि को कंधा भी दिया। इस दौरान माहौल पूरी तरह गमगीन था। पंजाब के मुख्यमंत्री खुद शहीद को मुख अग्नि देते नजर आए। इस मौके पर शहीद गज्जन सिंह की पत्नी, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी थी, क्या रो रो कर बुरा हाल था। पहले सुने शहीद की पत्नी ने पत्रकारों से बात करते क्या कहा। मंत्री आप करना ड्यूटी तद पता लगता कि क्या होंगे बॉर्डर पर। तनखाह तो सारे नो अच्छी लगती, तुम भी तनखाह की खातर ही है। उतों के जोड़े लोकल है ना, उ नहीं साथ देंगे। वो पाकिस्तानी होर कितों आते, सब कुछ लैब है ना, उतों के लोग ही भेद देंगे। गौरतलब है शहीद सैनिक गज्जन सिंह ने शहीद होने से 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी से बात की थी और 13 अक्टूबर को गांव आने की बात कही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज नहीं था कि वह तिरंगे में लिपटकर घर वापस आएगा। इस मौके पर पहुंचे सिख रेजिमेंट के अधिकारियों की माने तो गज्जन सिंह बहुत ईमानदारी व साहसी सैनिक था, जिसके जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे भरना बहुत कठिन होगा। उन्होंने कहा कि सेना का हर सैनिक शहीद गज्जन सिंह के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। सुने क्या कहा सेना के अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए। शहादत दी हम लोग सिख रेजिमेंट से, वेस्टर्न कमांड GOCNC वेस्टर्न कमांड की तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हम
पूरे के पूरी फौज जो है उनके साथ है और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसके साथ आने वाली पीढ़ियां जो हैं उसी तरह से देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। सर फौज की तरफ से आप परिवार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? फौज की तरफ से जो लेट डाउन SOP होता है, जब कोई शहीद होता है तो उनको एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलती है, पेंशन जल्द से जल्द लगती है और जो भी परिवार को चाहिए, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो स्टेट सब्जेक्ट है वो लगभग 50 लाख के करीब एक्स ग्रेशिया अमाउंट अनाउंस कर रहे हैं। जैसे आपको पता है चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, उसी तरह से जो नौकरी मिलती है उनकी बेवा को या जो भी कोई क्वालिफाइड है उसको दी जाए। सर किसानी को सिटी हलचल के लिए जिला रूपनगर के गांव पचरंडा से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।